भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से जुड़े मामले में क्रिकेटर अंकित चौहान को एक बड़ी राहत दी है। अंकित चौहान साल 2013 में आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने की वजह से लाइव बैन का सामना कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने अब उन पर से बैन को समाप्त कर दिया है। बीसीसीआई ने अंकित चौहान को इस बात की जानकारी दी है कि उनके लाइव बैन को कम करके 7 साल कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद बीसीसीआई ने अपने फैसले में बदलाव किया था। अंकित चौहान पर लगा 7 साल का बैन पिछले साल सितंबर में खत्म हो चुका है। बीसीसीआई के इस कदम ने अंकित चौहान को बड़ी राहत दी है। अंकित चौहान ने कहा, मेरे ऊपर से बड़ा बोझ हट गया है। मैं ग्राउंड पर जाने के लिए और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मैं बीसीसीआई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। अंकित चौहान ने अपने इरादे जाहिर करते हुए कहा कि वो मुंबई की टीम में वापसी करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस युवा स्पिन गेंदबाज ने कहा, बैन हटने के बाद मैं ग्राउंड पर वापस जाऊंगा और खेलूंगा। मुंबई की टीम में वापसी हो या नहीं, लेकिन मैं क्रिकेट खेलना जारी रखूंगा। मेरा काम क्रिकेट खेलना है और वापसी के लिए मैं हर संभव कोशिश करूंगा। अंकित चौहान को शीशंत और अजीत चंदीला के साथ स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाया गया था। ये तीनों खिलाड़ी साल 2013 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल खेल रहे थे। बीसीसीआई ने तीनों खिलाड़ियों पर लाइफ बैन लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ बैन की सजा को घटाकर 7 साल कर दिया था। एस शीशंत 7 साल का बैन खत्म होने के बाद पिछले साल ही क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर चुके हैं। चौहान पिछले 1 साल से बीसीसीआई के सामने बैन हटाने की अपील कर रहे थे। अब जबकि अंकित चौहान के ऊपर से बैन हट गया है, तो ऐसे में उम्मीद है कि एक बार इस फिर खिलाड़ी की वापसी होगी और ये खिलाड़ी ठीक उसी तरीके से परफॉर्मेंस करके फिर एक बार फिर दिखाएगा जैसा वो आईपीएल में पहले करते आए हैं।